Hello students, welcome to my YouTube channel Asan Hindi Gyan. I hope you all are fine. So today we are going to see another model question paper from grade 12 of Tamil Nadu State Board. So previously in this channel I have already uploaded the last year question paper, and this is another model paper. It will be very helpful for you for the public exam. You will get an idea how the questions are coming and how you have to reply. So this model question paper, I will explain all the question one by one, maybe in two sessions or in one session. I hope if I make it in two session, it will be quite helpful for you to understand. So let's start. So usually for you 90 marks question will come in the exam, and duration will be 3 hours. Here wrong hours will be mentioned. Here duration always 3 hours. So let's see, in your Roman letter 1, they will always ask you choose the correct answer, like a question around 6 to 7. So nimnalikhit vaikalpik prashno ke uttar likhiye. That means you have to fill in the gap with the correct options given below. Bali ke guru das hai, Sukracharya Narahridas. So who is the guru of Bali? Sukracharya. So I have already ticked this one, which one is the right answer. Then second question, Saral Vachan das saman hai. Saral Vachan kiske saman hai? Teer ya aushad. So second one is the correct option. This is a aushad. Goraj bich das lagte the, dhul dusharit nil nish. So the correct option is number one, dhul dusharit. Brish bhanuja ka arth hai. To brish bhanuja ka arth kya hai? यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ब्रिज भानुजा, यहाँ ब्रिश भानुजा होगा. तो ब्रिश का हुआ अर्थ हुआ बैल, भानुजा मतलब बहन. सो बैल की बहन. बादल दास रश की वर्षा करती है, प्रेम नफरत. सो प्रेम रश की वर्षा बादल हमेशा करती है. सो दिस फर्स्ट वन इज योर करेक्ट ऑप्शन. कवि को मरने जीने का धन डैश है, उच्च पद पाना या फिर देश के लिए जीना मरना. सो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट वन, दैट इज देश के लिए जीना मरना. सो हियर यू विल गेट श्योर शॉट 6 marks. देन कम टू योर रोमन लेटर 2. निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लिखिए. दैट मीन्स यू हैव टू राइट एनी 3 क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन इन रोमन लेटर 2. मित्र और पूज्य कौन है? दिस इज क्वेश्चन नंबर 7. मित्र मीन्स फ्रेंड. सो हु इज योर रियल फ्रेंड एंड हु इज एडमायरेबल. So this is the question from your first poem. तुलसीदास ने जो लिखा था पद्य, उससे है ये. तो मित्र और पूज्य कौन है? मित्र और पूज्य वो है जिस व्यक्ति को रामचंद्र जी प्रिय है, यानी कि भगवान श्री राम जिसे प्रिय है वही व्यक्ति मित्र है और वही व्यक्ति पूजनीय है. हमें अपनी राय कब प्रकट करनी चाहिए? हमें अपनी राय कब प्रकट करनी चाहिए? ये भी दिस इज ऑल्सो ए क्वेश्चन फ्रॉम द पोएम, पोएम नंबर 2, बृंद के दोहे से. बृंद के दोहे से ये क्वेश्चन है. तो हमें कब अपनी राय प्रकट करनी चाहिए? व्हेन वी हैव टू गिव आवर ओपिनियन. हमें किसी भी चीज को भली भांति देख कर उसके बारे में, भली भांति जान कर उसके बारे में राय प्रकट करनी चाहिए. दैट मीन्स वी हैव टू फर्स्ट सी द थिंग, वी हैव टू एनालाइज द थिंग एंड वी हैव टू कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर थिंग और पर्सन. आफ्टर गेटिंग ऑल द इंफॉर्मेशन, वेदर इट विल बी अ पर्सन और इट विल बी अ थिंग, आफ्टर गेटिंग ऑल द इंफॉर्मेशन देन वी हैव टू गिव आवर ओपिनियन. That means without investigating anything, we should not give any opinion about any person or anything because we don't know about them. So how we'll give our opinion?
करेक्ट। तो हमें पहले चीजों को भली भांति देख कर समझ लेना चाहिए और समझने के बाद उसके बारे में राय प्रकट करनी चाहिए। गोधूलि के बीच कृष्ण कैसे दिख पड़ते थे, गोधूलि के बीच कृष्ण कैसे दिख पड़ते थे, तो ये आपका तीसरा पोएम से है, पोएम नंबर 3 श्री कृष्ण की छटा से ये क्वेश्चन है। तो गोधूलि के बीच कृष्ण जैसे दिखते थे कि अंधेरे को चीर कर जो सूरज निकलता था उसी समान दिखते थे, मतलब व्हेनेवर कृष्ण वेंट टू अ फॉरेस्ट विद द काउस, सो इन द इवनिंग टाइम ही रिटर्न टू होम, एट दैट टाइम एवरीवेयर डस्ट एंड इट इज अ लिटिल बिट डार्कर, the sky little bit darker because sunset happened also and krishna ji ka rang kaisa tha, ghana neela tha aur krishna ji ki roop itni apurv thi, itni sundar thi, to kabhi yahan par tulna karta hai ki krishna bhagwan jab godhuli ke beech se nikalte to aisa mano jaise andhere ko cheer kar koi ujala koi suraj nikal raha hai, kyunki jab andhere se suraj nikalta hai to chamak एक लाइट आता है, उसी तरह से कृष्ण जब गोधूलि के बीच से निकलते थे तो ऐसे दिखाई पड़ते थे मानो कोई एक सूरज निकल रहा है अंधेरे से। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लोभ का चश्मा आंखों पर लगा लेने से मनुष्य कैसे अंधा हो जाता है, लोभ का चश्मा, इफ यू आर वेरी ग्रीडी अबाउट समथिंग, इफ यू वियर द स्पेक्टेकल्स ऑफ ग्रीडीनेस, देन हाउ यू विल बिकम ब्लाइंड। लोभ का चश्मा जब आंखों पर लगा लेता है मनुष्य, अनुदार व्यक्ति जो होता है उसे भी उदार लगने लगता है, वो देख नहीं पाता कि कौन धनी है और कौन निर्धन है, मतलब उसमें विचार शक्ति नहीं होता है, कौन क्या है वो समझ नहीं पा रहा है, धनी को निर्धन समझता है, निर्धन को धनी समझता है, और जिसे आदर करना चाहिए उसे अनुदार व्यक्ति समझता है, और जो अनुदार व्यक्ति है उसे आदर उदार व्यक्ति समझ बैठता है। तो लोभ की चश्मा लगाने से मनुष्य को अनुदार व्यक्ति उदार दिखता है और ये पता नहीं चलता कि कौन धनी है और कौन निर्धन। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लिखिए, सो हियर यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू राइट एनी टू क्वेश्चन आंसर्स। So each carry 2 marks and you have to write any 2 question answers from the following. मातृभाषा का प्रेम लेखक किस प्रकार प्रकट करता है? You won't be confused because in your guide मातृभाषा का महत्व कवि किस प्रकार प्रकट करता है, तो same thing, the same answer you have to write here. तो कवि यहाँ पर कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, जो कि आपके भारतेंदु हरिश्चंद्रिका का रचयिता है पोएम नंबर 5 में। तो यहाँ पर वो समझाते हैं कि देश की प्रगति मातृभाषा की प्रगति पर निर्भर है, यानी कि आपका जो मदर टंग है, व्हाट इज योर मदर लैंग्वेज, यू हैव टू रेस्पेक्ट दैट, इफ यू रेस्पेक्ट दैट देन ओनली योर country will be grow। मातृभाषा के विकास से ही देश का हर तरह से विकास हो सकता है और मातृभाषा का प्रयोग ही देश की तरक्की का मूल है। Then next question, it is your question number 12। कवि का जीवन धर्म क्या है? कवि का जीवन धर्म है अहिंसा और असहकारिता। तो ये दोनों अगर आप लिख देते हैं 2 वर्ड्स, यू विल गेट 2 मार्क्स, अहिंसा और असहकारिता, ये कवि का जीवन धर्म है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कवि ने किसे सहर्ष स्वीकारा है? तो आपका ये जो पोएम आता है सहर्ष स्वीकारा है,
ये आपका पॉइंट नंबर 8 है, तो इससे ये क्वेश्चन है। तो कभी जीवन में उनको जो कुछ भी मिला और जो कुछ भी उनके साथ हुआ, उन सबको कवि ने सहर्ष स्वीकारा है। सहर्ष मतलब हर्ष के साथ, खुशी के साथ कवि ने ये एक्सेप्ट किया, पोइट ने ये एक्सेप्ट किया, व्हाट एवर हैपेंड टू हिम इन हिज लाइफ एंड whatever he get in his life, so he accepted happily। कवि ने उनके जीवन में उन्हें जो मिला और उनके साथ जो हुआ उसे सहर्ष यानी खुशी से स्वीकारा है। Then come to your question number Roman letter 3, question number 14। किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं। इच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स और 2 क्वेश्चंस 2, 4 8 मार्क्स। संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। संदर्भ के साथ आपको व्याख्या करना होगा। मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब संदर्भ के साथ व्याख्या आए तो आपको संदर्भ में किस पोएम से ये लिया गया है या प्रोज से लिया गया है ये लिखना है, इसके लेखक या फिर पोइट कौन है ये लिखना है, और व्याख्या में आपको पूरी व्याख्या बतानी है। तो संदर्भ कुछ इस तरह है, बहु विनोदित थी ब्रजवालिका, तरुण्या सब थे तृण तोड़ती, बली गई बहु बार वयोवती, लख अनुपमता ब्रजचंद्र की। तो आपको संदर्भ में क्या लिखना है कि यह पद्यांश श्री कृष्ण की छटा नामक कविता से लिया गया है और इसके कवि हैं श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध, और यहाँ पर कवि श्री कृष्ण के रूप रंग और व्यवहारों का वर्णन करते हैं। और व्याख्या में क्या लिखेंगे, ब्रजभूमि की बालिकाएं कृष्ण के अनुपम सौंदर्य देखकर अधिक खुश हो गई हैं, किसी की बुरी नजर उन पर ना लगे तो इसलिए तरुण तोड़कर क्या करती हैं, बलैया लेती हैं, और बूढ़ी स्त्रियां भी इसकी चिंता करती थी और इसलिए बराबर बलैया लेती थी। इस बहाने वे श्री कृष्ण की अनुपम मुख और सौंदर्य का आनंद लेती थी। तो इस तरह से आपको ये लिखना है, संदर्भ के साथ व्याख्या इस तरह से आपको लिखना है। इफ यू राइट इट प्रॉपरली रिगार्डिंग द संदर्भ एंड योर नरेशन और एक्सप्लेनेशन, देन यू विल गेट फुल मार्क्स। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कभी काल से अपराजित वाशी है, काल से अपराजित वाशी है, समझाइए। तो आपको ये लिखना होगा कि काल कैसे अपराजित है और इसके बारे में आपको पूरी व्याख्या करनी होगी। एटलीस्ट 5 लाइंस यू हैव टू राइट, देन यू विल गेट फुल मार्क्स। तो आपको इस तरह से लिखनी होगी। ये जो क्वेश्चन है आपका पॉइंट नंबर 9 से है, काल तुझ से होड़ है मेरी में। तो काल का मतलब क्या होता है, मृत्यु, डेथ। तो सभी चीजों को चीजों का नाम निशान मिटाना काल की क्षमता है। दैट मीन्स इट कैन स्मैश ऑल द थिंग्स। मगर कवियों की रचना जब तक चांद और सूरज है तब तक मतलब मिटती नहीं, इससे कवि अमर हो जाते हैं। काल कवियों की कीर्ति को अपनी चपेट में नहीं ले सकता, इसलिए कवि अपने को काल से अपराजित मानते हैं। कभी मौत से जरा भी नहीं डरते और कभी मानते हैं कि मौत उनमें नहीं, वे स्वयं मृत्यु में वास करते हैं। इस तरह से कभी मानते हैं कि काल से वो अपराजित हैं, क्योंकि क्या होता है, व्हेनेवर डेथ हैपन मे बी और एनी
जब काल आता है तो बहुत कुछ ले जाता है, कुछ याद भी नहीं रहता, सब कुछ बर्बाद कर देता है। लेकिन कवि जो रचनाएं करता है, जो पोएट्स जो लिखते हैं, वो लिखावट हमेशा के लिए रह जाता है। देखिए अभी आप पढ़ रहे हैं तुलसीदास के दोहे, बृंद के दोहे, ये सारे दोहे उन्होंने कब लिखी थी, लेकिन अब तक हम पढ़ रहे हैं। तो ये समय पे या फिर काल से इसका कोई लेना देना नहीं है, काल से कवियां अपराजित हैं, काल से ये काल को ये डिफीट करती है, क्योंकि उनकी रचनाएं अमर होकर रहती हैं जो युगों तक हम इसे पढ़ते रहते हैं। फिर निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। अगर इस तरह से क्वेश्चन आए तो आपको करना क्या है, अगर एक व्याख्या दिया गया होगा और एक क्वेश्चन आंसर पूछा गया होगा और एक मैच पूछा गया होगा, देन डेफिनेटली यू गो फॉर द मैच फर्स्ट, बिकॉज यू विल गेट श्योर श्योर 4 मार्क्स। देन अगर आपको संदर्भ पूरा लिखना आता है तो इसमें हाथ डालिए, अगर नहीं आता है लिखना आप, क्योंकि संदर्भ के साथ व्याख्या में मार्क आप स्कोर कर सकते हैं। एक तो संदर्भ लिख दिया कि ये किस कविता से लिया गया है, इसे किसने रचना की और इसके मुख्य उद्देश्य क्या है, यहाँ पर 2 मार्क आपको मिल जाएंगे, बाकी एक्सप्लेनेशन में 2 मार्क मिलना है। तो मेरे हिसाब से अगर इस तरह के ऑप्शन के साथ आपको 2 ऑप्शन चूज करना पड़ता है, देन यू विल गो फॉर दिस मैच एज दिस संदर्भ सहित व्याख्या। अभी आइए कस्तम कस्तम विद्यावारिधि। विद्यावारिधि का अर्थ है शिक्षा का सागर। छटा, छटा का मतलब है शोभा। भारतेंदु हरिश्चंद्रिका, भारतेंदु हरिश्चंद्रिका सॉरी भारतेंदु हरिश्चंद्र इन्होंने अंधेर नगरी लिखा था। माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा। देन यहाँ पे बहुत रोमन लेटर्स गलत हुआ है, डोंट कंफ्यूज, दिस आर ऑल प्रिंटिंग मिस्टेक, बिकॉज रोमन लेटर 3 रिपीटेड 2 टाइम्स, 2 रिपीटेड 2 टाइम्स, सो दिस आर हाउ इट इज देयर इन योर गाइड, आई वेंट अकॉर्डिंगली दैट, सो दिस आर सम मिस्टेक्स, जस्ट ओवरकम इट बिकॉज ओवरलुक इट बिकॉज दिस आर द प्रिंटिंग मिस्टेक, ऐसा आपका एग्जाम में नहीं आएगा। अभी थर्ड रोमन लेटर का क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, कंठस्थ भाग। कंठस्थ भाग यानी मेमोरी पोएम, जो हमने पढ़ा था बृंद का दोहा और आपके बिहारी के दोहे, तो आपका ये मेमोरी पोएम होता है और आपको याद रखना पड़ेगा, कभी कभी ऐसा आता है कि, और इसे अगर याद रखते हैं तो आपको 4 मार्क आसानी से मिलते हैं। तो कारज धीर संचय नीर, तो ये कपलेट कैसा था, कारज धीरे होत है काहे होत अधीर, समय पाए तरुबर फरेई केतकी सिंचो नीर। अगर आप ये 2 लाइन लिख देते हैं तो आपको 2 मार्क मिल जाते हैं। देन शीश, दिस वन इज शीश मुकुट, प्रिंटिंग मिस्टेक, नॉट सीम, शीश मुकुट काटी बिहारी लाल, ये बिहारी जी का दोहा है, ये पूरा दोहा कुछ इस तरह से है, शीश मुकुट काटी काचनी कर मुरली उर माल, यही बानक मो मन सदा बसो बिहारी लाल। अगर आप ये 2 लाइन लिखते हैं तो आपको 2 मार्क मिल जाते हैं आसानी से, तो 4 मार्क्स यू विल गेट वेरी इजीली। Then we will come to here, question number 17. इसमें जो आपका है ब्रिज पार लिखा, श्री कृष्ण को ब्रिज के लोग कैसे निहारते थे, तो ये आपके पोएम नंबर 3 से है, श्री कृष्ण की छटा से। तो श्री कृष्ण को ब्रिज के लोग इस तरह से कुछ निहारते थे, जैसे त्रिषित चातक काले मेघ को देखता है, वे वैसे ही ब्रिज के लोग श्री कृष्ण जी को निहारते थे, वे कृष्ण को एकटक देखते रहते थे, आंखें नीचे बिना, मतलब आंखें बंद किए बिना कृष्ण को देखते रहते थे, और उनके शरीर का रोम भी नहीं हिलता था, वे पत्थर की मूर्ति के भांति अचल हो जाते थे, क्योंकि वो श्री कृष्ण जी के सौंदर्य में विमोहित हो जाते थे, उनके भगवान को देखकर वो खो जाते थे, इसीलिए
इस तरह से अचल होकर ये भगवान श्री कृष्ण जी को ब्रिज के लोग निहारते थे। इस 17 में आपको कोई एक क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा, तो यू हैव टू चूज अकॉर्डिंगली योर व्हिच क्वेश्चन विल बी कंफर्टेबल यू लाइक दैट यू हैव टू राइट अकॉर्डिंगली। और ये जो भारत का धन भारत का धन क्या है, जो लोग भारत के लिए जो स्वाधीनता संग्राम में शहीद हुए थे, उन्होंने जितना परिश्रम किया था, जो बलिदान दिए थे, वो सारे किस्से कारनामे आपको लिखने हैं। ये है भारत के अमूल्य धन, अमूल्य लोग, क्योंकि यही है जो भारत से बहुत प्यार करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर पोइम सेशन अप टू क्वेश्चन नंबर 18 वी हैव डिस्कस्ड इन दिस सेशन। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कंटिन्यू विद द रोम फ्रॉम रोमन लेटर 4। आई होप चिल्ड्रन यू लाइक दिस वीडियोस एंड दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं और यू वांट टू सी मोर एंड मोर क्वेश्चन पेपर्स एंड मोर एक्सप्लेनेशंस फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एज वेल एज अगर आपको हिंदी आसानी से समझना है, सीखना है, तो ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।